शायद ही कोई तेलुगु का आदमी होगा जिसने कुरुनूल के गुरु के बारे में नहीं सुना होगा। ए, ये अपने भाई के लिए है। हत्या के जुर्म में जेल जाने के बाद नाबालिग की तरह गुरु अब कुरुनूल पर हुकूमत करने तक आ गया है। वो पॉलिटिक्स में भी आ चुका है। ऐसी खबर है कि पार्टीज उसे सीट देना चाहती हैं और उसे रखना चाहती है किसी बड़ी पोजीशन पर। इस मामले में अभी और खबरें आना बाकी हैं, लेकिन हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पार्टी के सीनियर लीडर अदु सुमिल वेंकट राव। नमस्ते वेंकट राव जी। नमस्कार मैडम। तो बताइए वेंकट राव जी, हम इसे कैसे देखें? देखिए मैडम, आजकल किसी को भी पोस्ट दी जा सकती है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। अगर आपके घर में पैसा है और कोर्ट में केस हो, आपको कोई पोजीशन मिली जाती है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर उसे पोजीशन मिली, मैं अपने पार्टी ऑफिस के सामने मरने के लिए तैयार हूँ। एक खून चूसने वाला बदलकर क्रिकेट बन गया है। इससे ये प्रूफ होता है कि गुंडा आखिर पॉलिटिशियन बनता है। कोई ऐसा जो धोखाधड़ी करता है और कोई गलत काम करता है, वो आखिरकार आपका MLA बनकर अपना क्या रूप दिखाएगा? वो इंसान को मारता है और एक पेड़ लगाता है। अब जब तुम वो पेड़ देखोगे जो गुरु ने लगाए हैं, तो वो बगीचा बन गया है। आपको ऐसे लोगों को एक अच्छा पार्ट दिखाना चाहिए जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। उसने अपने पेड़ों की वीडियो बनाई है। उसने हमारी आधी कहानी को ही बदल दिया है। चलो बाकी की कहानी उसे सीधा दिखाते हैं। जाकर उसे जंगल में उठा लाओ। डॉक्टर क्या तुम्हारे सारे जख्म भर गए क्या? हाँ तुम यहाँ दोबारा क्यों हो? क्या कुछ भूल गए हो? ये भागकर छुप गया था और तुम इसके पीछे छुप रही हो। हमने इसे पीट कर कॉन्डरेडी बस्ती में लटका दिया था। ये खुद को तो बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? जाओ लेकर आओ। He's a survivor. He's a fighter.